হাইলাকান্দি জেলার সবচেয়ে খাটো দম্পতি হচ্ছেন সাদ্দাম হোসেন ও তার পত্নী। তাদের উচ্চতা 3 ফুট 4 ইঞ্চি। সাদ্দাম হোসেন একই উচ্চতা পত্নী পেয়ে হাইলাকান্দিতে ছুটে চলে আসেন, আর 3 মাস আগেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। সাদ্দাম কর্মসূত্রে মেঘালয়ে থাকেন, এর আগে 3 বছর মুম্বইতে ছিলেন তিনি। সেখানে কমেডি শোতে কাজ করেছেন। অভিনেতা সলমন খানের সঙ্গে সিনেমা করার কথা থাকলেও প্যান্ডামিক পরিস্থিতির জন্য এই স্বপ্ন সাকার হয়নি। বর্তমানে সাদ্দাম হোসেন ও তার পত্নী হাইলাকান্দি বিলাইপুরের বাড়িতে এসেছেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি সাদ্দাম হোসেন বলেন, সুখেই কাটছে তাদের দাম্পত্য জীবন। তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমনই পত্নী পেয়েছেন। 24 বছরের পত্নী পেয়ে ঈশ্বরের কাছে শুকরিয়া জানান। করিমগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ জনির রিপোর্ট। अल्लाह कहीं ना कहीं इधर जुड़ी मिल जाएगा तो शादी कर लूँगा। तो मेरे को लाइव वीडियो में एक बंदा मेरे को प्रश्न किया था लाइव में, बोला तुम्हारा इतना टाइम इतना उम्र हो गया, तुम्हारा शादी होगा क्या नहीं होगा। मैं बोला ये तुम्हारा मेरा मैटर नहीं है, ये खुद अल्लाह ताला का मैटर है। वो जुड़ी मिला देगा तो हम लोग का हो जाएगा। कितना साल हुआ है शादी का? 3 महीना हो रहा है। अच्छा, नया नया शादी किया? हाँ। क्या गुवाहाटी में रहता है या हाइलाकंदी में? गुवाहाटी में रहता हूँ, छुट्टी लेके अभी घर पे रह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बीवी हाइलाकंदी में रहता है? नहीं, मेरे साथ भी। अच्छा अच्छा। और मेरा अब्बा उम्र वाला आदमी है, अम्मी हूँ, भाई बहन भी है, भतीजा भतीजी है, और दो बहन दो भाई छोटा है, वो 2 नंबर। अभी कहाँ में नौकरी करते हो आप? अभी तो ये गुवाहाटी में, ये मेघालय। कितना तनख्वाह कितना मिलता है? 20,000। तुम्हारा बीबी को लेके गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कैसे मिला नौकरी, कैसे मिला? ये अल्लाह ताला का, मतलब अल्लाह ताला का हुकुम है, और उसीला आई इंडियन बंगला अहमद मूसा भाई स्टूडियो में, उसमें आया रिपोर्टिंग किया। अच्छा। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बोला रिपोर्टिंग किया था आपने? वो ये वीडियो, मतलब रास्ता, ब्रिज, कलफाट, घर, दर्जा, मतलब कहीं ना किधर, मतलब कोई प्रॉब्लम होएगा तो मेरे को कॉल करता है। कल करके मेरे को बोलता है, छोटू आ जाओ इधर, प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जाना है, हैंडल करना है। तो मैं भाग के आ जाता हूँ, तो आके ये वीडियो मैं शूट करता हूँ। तो उसको अच्छा लगा, वो बोला मेरे को गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सीएम का मीटिंग है, तो आप जाओगे क्या? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं जाएगा, आप जाओगे तो मैं जाना ही पड़ेगा ना, सीएम आएगा तो मैं भी उनके साथ मिलूँगा, तो अच्छा लगा। हाँ, हो गया। अच्छा, क्या बोला सीएम ने? सीएम मेरे को बहुत अच्छा पर्पस दिया, मतलब हाथ उठ मिलाया, नमस्कार दिया, गुड में लिया, और बोला उनके घर पे जाने के लिए, तो मैं अभी तक गया।